हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए फोर न्यू MIUI 14 थीम्स लेकर आ गया हूं और सभी के सभी यहां पर डायनेमिक लॉक स्क्रीन्स के साथ आते हैं। मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल थीम्स होने वाले हैं इस लिस्ट में। साथ में कंट्रोल सेंटर का सपोर्ट भी मिल जाएगा MIUI 13 एंड MIUI 14 में। तो काफ़ी अच्छे थीम्स हैं जिन्हें आप पोको रेडमी और सभी डिवाइसेस में ट्राई कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप राइट इनटू इट। तो बात करें फर्स्ट थीम की तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की होम स्क्रीन के साथ आता है। एक ब्यूटीफुल वॉलपेपर है यहाँ पर। अगर आपको ये वॉलपेपर पसंद नहीं आता है तो आप कोई और वॉलपेपर ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर जो आइकॉन्स है काफ़ी अच्छे हैं, आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं ये आइकॉन्स। और विजेट की बात करें तो यहाँ पर एक मिनिमल विजेट देखने को मिल जाता है। देन बात करें स्टेटस बार की तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो बैटरी का आइकॉन है ये चेंज हुआ है। और अगर हम जाते हैं कंट्रोल सेंटर पर तो आप देख सकते हो यहाँ पर MIUI 14 कंट्रोल सेंटर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो कलर है क्विक टॉगल्स की वो चेंज हुआ है। देन बात करें कंट्रोल सेंटर की तो यहाँ पर ये ट्रांसलूसेंट बैकग्राउंड के साथ आता है। और अगर हम जाते हैं नोटिफिकेशन पैनल पे तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है। और अगर हम यहाँ पर जाते हैं सेटिंग्स के अंदर तो आप देख सकते हो ये कुछ इस टाइप के बैकग्राउंड के साथ आता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। देन अगर हम बात करें लॉक स्क्रीन की तो यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है एक डायनेमिक वॉलपेपर के साथ। आप देख सकते हो बहुत ही कूल लगता है ये लॉक स्क्रीन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। बस इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पर स्वाइप डाउन करते हैं तो इसे हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ विजेट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो सिंपल क्लॉक है उसे भी रख सकते हैं। और यहाँ पर क्लॉक के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं आप देख सकते हो। यहाँ पर दो डिफरेंट डिजाइन दी गई है, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। और इस डायनेमिक इफेक्ट को हम यहाँ पर ऑफ भी कर सकते हैं, टॉम आइकन्स को भी हम डिसेबल कर सकते हैं। और ये जो थीम है इसमें एक चार्जिंग एनिमेशन भी है जो कि कुछ इस टाइप का लगता है। थीम का नाम है समर कोस्ट बाय डिजाइनर वन लिंग और इसकी सही है 15.4 MB। ये आपको थीम स्टोर पर मिल जाएगा, जाके सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। तो अब आते हैं हमारे सेकंड थीम पे जो कि कुछ इस टाइप के एक ब्यूटीफुल वॉलपेपर के साथ आता है। आप देख सकते हो आइकॉन्स यहाँ पर स्क्वायरी सेम है और जो विजेट है यहाँ पर सेम मिनिमल विजेट है। बात करें स्टेटस बार की तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो बैटरी आइकॉन है काफ़ी कलरफुल डिजाइन के साथ आता है। और अगर हम जाते हैं कंट्रोल सेंटर पर तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो चेंज हुआ है। और यहाँ पर वॉलपेपर के कलर के अकॉर्डिंग क्विक टॉगल्स में कलर देखने को मिल जाता है। देन बात करें नोटिफिकेशन पैनल की तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर तो यहाँ पर भी जो बैकग्राउंड है वो चेंज हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। देन अगर हम जाते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन पे तो लॉक स्क्रीन आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है। ये भी एक डायनेमिक वॉलपेपर के साथ आता है। यहाँ पर जो विजेट है काफ़ी अच्छा लगता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये जो लॉक स्क्रीन है इसे हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर वॉलपेपर को हम चेंज कर सकते हैं, 3 डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के साथ आता है ये वॉलपेपर। मतलब यहाँ पर ये जो वॉलपेपर है 3 डिफरेंट टाइम को ये रिप्रेजेंट करता है। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर जो नीचे कोड है उसे भी हम चेंज कर सकते हैं। 3 डिफरेंट कोड दी गई है, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप इसे डिसेबल भी कर सकते हो। तो काफ़ी कुल लॉक स्क्रीन के साथ आता है हमारा सेकंड थीम। अगर आपको डायनेमिक लॉक स्क्रीन्स पसंद है तो इस थीम को ट्राई कर सकते हो। थीम का नाम है ऑन द रोड बाई डिजाइनर वन लिंग और इसकी सही है 8.7 MB। तो ये हमारा थर्ड थीम, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की एक सिंपल वॉलपेपर के साथ आता है। आइकॉन से यहाँ पर स्क्वायरी सेम है और विजेट यहाँ पर सेम विजेट है। बात करें कंट्रोल सेंटर की तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के कंट्रोल सेंटर के साथ आता है। यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो चेंज हुआ है। देन बात करें नोटिफिकेशन पैनल की तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर तो यहाँ पर भी बैकग्राउंड चेंज हुआ है। देन अगर हम जाते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन पे तो लॉक स्क्रीन आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक डायनेमिक वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, एनिमेशन देखने को मिलता है यहाँ भी। और यहाँ पर स्वाइप करके हम लॉक स्क्रीन स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं। 2 डिफरेंट टाइप के लॉक स्क्रीन दी गई है, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी थीम है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। थीम का नाम है क्वाइट मून बाय डिजाइनर हैंडलिंग और इसकी सही है ओनली 5.4 MB। अब आते हैं हमारे लास्ट थीम पे जो कि है समर वाटरमेलन बाय सेम डिजाइनर और इसकी सही है ओनली 5 MB। होम स्क्रीन की बात करें तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के होम स्क्रीन के साथ आता है। यहाँ पर सभी आइकॉन्स का सपोर्ट है आप देख सकते हो जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छे आइकॉन्स हैं। देन बात करें कंट्रोल सेंटर की तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के कंट्रोल सेंटर के साथ आता है। यहाँ पर ट्रांसलूसेंट बैकग्राउंड के साथ आता है ये कंट्रोल सेंटर और नोटिफिकेशन पैनल भी यहाँ पर ट्रांसलूसेंट बैकग्राउंड के साथ आता है। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर
तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी जो बैकग्राउंड है वो चेंज हुआ है। और बात करें लॉक स्क्रीन की तो काफ़ी ब्यूटीफुल लॉक स्क्रीन के साथ आता है, आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये लॉक स्क्रीन। और ये जो वेट है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम स्वाइप करते हैं और यहाँ पर टैप करते हैं तो लॉक स्क्रीन स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर दो डिफरेंट स्टाइल दी गई है, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। और इस लॉक स्क्रीन में भी एक चार्जिंग एनिमेशन है जो कि कुछ इस टाइप का है। तो ये थे फोर MIUI थीम्स विद डायनेमिक लॉक स्क्रीन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और चलो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। दिस इज अंशुमान साइनिंग आउट।